जमाल बेटा, 10 बजे शादी का टाइम है, बेटी फातिमा अभी तक तैयार नहीं हुई है। अच्छा, फातिमा यार कहाँ रह गई हो यार? मेहमान हमारा इंतजार कर रहे होंगे, 9 बज गए हैं यार। अभी तो 9 भी नहीं बजे, अभी बहुत टाइम है। अच्छा खैर, कैसी लग रही हूँ मैं ये देखो, अच्छी लग रही है तुम्हारा फेवरेट कलर में। फातिमा बेटी, ये क्या पहन के आ गई हो? अरे खानदान की शादी है, नाक कटवाओगी तुम हमारा? वो तुम्हारा भारी भरकम जोड़ा, 6 तोले जेवर कहाँ है वो? आंटी, वो बहुत पेंडू स्टाइल हो जाएगा आज के इवेंट के हिसाब से। देख रही हूँ बेटा, अच्छा, पुराना स्टाइल है भाई, वो पहन ही सकती मैं। मैं कहता हूँ, अच्छा मेरी बात सुनो प्लीज, जाके प्लीज चेंज करो। अच्छा ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ और ट्राई करो प्लीज फॉर मी। जमाल वो बहुत बुरे लगेंगे यार, इतने पेंडू स्टाइल के कपड़े हैं वो, इतने वजनी। अच्छा मेरे लिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू। अरे बेटा, इसकी तो पुरानी आदत है हर काम देर से करना। मेरी बात मानो, घर के बहुत सारे काम पड़े, वो काम करती रहेगी। मैं तो माँ, बेटा चलती है शादी पे। हाँ तुम्हारे हाथ के खाने का जवाब ही कोई नहीं। वो तो मुझे पता है, बस आपकी अम्मा को पसंद आ जाए। जब मुझे पसंद आ गया तो मेरी अम्मा को भी आ जाएगा। अरे ले भी आओ खाना, मेरा शुगर लेवल डाउन हो रहा है। अरे इतनी देर क्यों लगा दी खाने पकाने में? गैस बहुत छोड़ जा रही थी, बताए ना आप मम्मी। हाँ हाँ, वो गैस को मारी थी। अरे बस बस, बहुत सुनी है ये बातें मैंने, बहुत ढकोसले सुने हैं तुम्हारे। अरे ये क्या बना दिया तुमने? तौबा, जरा मजे का नहीं खाना। किस तरह बनाया तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें? खाना पकाना नहीं सिखाया? आंटी जमाल को तो बहुत अच्छा लगा था, बता क्यों नहीं रहे आप उनको? अच्छा नहीं लगा क्या? यार मैं अब क्या कह सकता हूँ, मामा खुद चखेंगे तो बताएंगे ना। आप तो कुछ भी नहीं कभी बोल सकते। मजा खाना बनाया, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देख बेटा तुम पकाओ खाना चल के, और चल बेटा बाहर ले चल। जमाल को तो इतना अच्छा लगा था, कुछ भूल क्यों नहीं रहे आप? यार मैं क्या बोलूं, मामा खुद चखके बता देंगे ना तुम्हें। अरे बस बस, बेकार खाना है। देख बेटा जरा भी अच्छा नहीं बना खाना, मेरा तो दिल खराब हो रहा है। चल बाहर दोबारा बना देती हूं मैं। बस बस चलो, तुम पकाओ खाना, पकाओ और खाओ भी खुद ही। चलो आओ हम बाहर चलते बेटा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इसके हाथों का खाना। चलो बस, कहां जा रहे हैं? पकाओ खाना। फातिमा, अरे फातिमा, लड़की दिन चढ़ा है, सूरज सर पे आ गया है। अरे मेरा बेटा सुबह का गया है, रात को आएगा, वो रोटी मांगेगा। इतना कमजोर हो गया तुम्हारे लिए और अपनी माँ के लिए, सुबह वो निकलता है रात को आता है, कुछ ख्याल है? आंटी सुबह से काम ही कर रही थी, थोड़ी सी देर सिर्फ बैठी हूँ आके। क्या हो गया है? क्या काम कर रही थी बताओ? हांडी मैंने बनाई, सब्जी मैंने बनाई, आटा मैंने गूंदा, बिरयानी मैंने पकाई है, और खा खा के तुम्हारी हालत क्या हो गई है लड़की? अरे जब भी अकेले आए थे चुईया जैसी थी, अब देखो कैसी पल गई है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, घंटों माँ से फोन पे लगी रहती है बातों पे। बस करो, लड़की बहुत हो गया। आंटी आप हर वक्त मेरे बारे में इतना बुरा बुरा क्यों सोचती हैं? बस बस, तुम्हारी कुछ अच्छा सोच लिया करें। क्या अच्छा सोचूं, तुम्हें मेरा ख्याल है? अरे बूढ़ी माँ हूँ मैं जमाल की, कुछ खुदा का खौफ करो और शीशे के सामने जरा अपने आप को देख लो। मैं तंग आ गई हूँ आपसे, ठीक है? ये आजकल की लड़कियों को डर खौफ बिल्कुल ही खत्म हो गया, सासे तो ऐसे ही बदनाम है। हाँ नहीं तो यार फातिमा, क्या मजाक है यार, तुम सुबह से यहाँ पे लेटी हुई हो, मामा बाहर भूखी है यार, खाना कौन बनाएगा? मजाक, आपको पता है आपकी अम्मी ने सुबह से मेरे से कितनी बदतमीजी की है? मैं अब और नहीं कर सकती हूँ, बस बहुत हो गया। क्या मतलब और नहीं कर सकती हो यार, तुम्हें मेरी माँ का एहसास भी है या नहीं? वो आपकी अम्मी है ना, तो मैं आपकी बीवी हूँ, ठीक है? सारी जिंदगी मैंने कितना साथ दिया आपका, आपको कुछ याद भी है? इतनी जल्दी भूल भी गए आप? अच्छा काम काम, लेकिन खाना कौन बनाएगा यार? मुझे नहीं पता, बाहर से लें यार, मैं थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा, सुबह से इतना कुछ किया मैंने, किसी को कोई एहसास है? क्या किया तुमने? तुम सारा दिन तो यहाँ पे लेटी रहती हो।
मेरी माँ भूखी पड़ी है बाहर, कोई एहसास ही नहीं है तुम्हारे अंदर। मैंने कुछ नहीं किया आपके लिए सारी जिंदगी। जब आपकी नौकरी चली गई थी और आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, उस वक्त मैंने अपना जेवर बेच के आपकी मदद की थी। आपको याद है जब आपकी और मेरे बाबा की लड़ाई हो गई थी, तो उस वक्त मैंने उनका नहीं बल्कि आपका साथ दिया था। जब हमारे पास बिल देने के पैसे नहीं थे, उस वक्त मैंने नौकरी की, पैसे भी कमाए, आपकी मदद भी की और घर के काम भी देखे। जब हमें पता चला कि आप बाप नहीं बन सकते और बाबा ने रिपोर्ट पढ़ ली थी, उस वक्त भी मैंने उनका साथ नहीं दिया बल्कि आपका साथ दिया, आपके ही साथ रही। तब भी इतना सब करने के बाद भी आप अपनी अम्मी के सामने मुझे डिफेंड नहीं कर सकते क्या? I'm really sorry, Fatima. I'm really sorry. मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, लेकिन हकीकत तो यही है कि तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, मेरा एहसास किया, मेरी माँ का एहसास किया, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारा एहसास नहीं किया, तुम्हारे साथ कभी नहीं खड़ा हुआ। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। I'm really sorry. बस 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 बेटा, बहुत हो गया। सुबह से लेके शाम तक इसके यही काम है, बूढ़ी हड्डियां मेरी थक चुकी हैं। मामा बस कर दें यार, इसे हमेशा मेरा, आपका, हम तीनों का एहसास किया। अरे क्या एहसास किया है? मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब जान नहीं है। देखो बेटा, साल हो गया शादी को, आज तक मुझे ये दादी का रिश्ता नहीं दे सकी। देखो मेरी बहन की बेटी है, अभी भी वक्त है, ये चार दिन की बात नहीं। नहीं मामा नहीं, हकीकत कुछ और है। हकीकत तो ये है कि कमीज में नहीं, मुझ में है। अल्लाह ने मुझे इस काबिल ही नहीं बनाया कि मैं बाप बन सकूं या आप दादी। अरे क्या कह रही हो, रिपोर्ट गलत होगी। नहीं माँ, ना रिपोर्ट गलत है और ना ही हकीकत। सच आपको जान गई है कि कमीज में नहीं, मुझ में है। तो बेहतर रहेगा कि हम दोनों, हम तीनों साथ मिलकर रहें, हंसी खुशी रहें और एक दूसरे से, एक तीसरे से मोहब्बत करें। अरे मेरी बच्ची, मैं हर वक्त तुझे गलत समझती रही। खुश रह मेरी बच्ची, तूने मेरे बेटे का साथ जिस तरह दिया, मेरे मालिक तू हमेशा मेरे बच्चों को खुश रख, मेरे घर को आबाद रख। सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरी उम्मीद है कि आप सब खुश और अच्छी सेहत में। तो आप लोग ने इस वीडियो देखी, इस वीडियो में मैंने इस माशरे की दो सच को आप लोग के सामने लाने की कोशिश करी है। एक सच ये है कि हम लोग बहुत बार समझते हैं कि माँ को बीवी से ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, यह गलत बात है। आप याद रखें कि माँ और बीवी एक ही अहमियत रखती है, और ये मत भूलें कि आपकी बीवी भी एक दिन आपके बच्चों की माँ बनेगी। मेरी इस माशरे की सासों से ये दरख्वास्त है कि आप याद रखें कि जिस घर में प्यार और मोहब्बत नहीं होती और गुस्सा और बदतमीज़ी होती है, उस घर में कामयाबी नहीं आती। कामयाबी सिर्फ आती है जिस घर में प्यार और मोहब्बत है। मेरी दरख्वास्त है इस मुल्क के शोहरों से कि वो अपनी बीवी को उनका जो हक है वो पूरा हक दें, क्योंकि उसी से मोहब्बत और प्यार भरती है। एक दूसरा सच जो मैंने इस वीडियो में आपके सामने लाने की कोशिश करी है वो ये है कि हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं कि जो बीवी होती है वो घर में कितनी मेहनत करती है। हम लोग के ख्याल में ये आता है कि जो शौहर है बाहर जा के काम करता है और पैसे कमाता है कि इसमें बहुत मेहनत और वक्त लगता है, लेकिन जो बीवी सुबह शाम रात काम करती है छुट्टियों के बगैर, सुबह उठ के आपको नाश्ता देती है, दोपहर का खाना, रात का खाना, आपके बच्चों का ख्याल रखना, आपके रिश्तेदारों का ख्याल रखना, आपके घर को साफ रखना, आपके माँ बाप को ख्याल रखना, हम लोग भूल जाते हैं कि इसमें कितना मेहनत और वक्त लगता है। आप याद रखें जो मियाँ का काम होता है और बीवी का काम होता है, उन दोनों काम में बहुत मेहनत और वक्त लगती है, और आपको एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। याद रखें कि जिस घर में प्यार और मोहब्बत है उसी घर में कामयाबी आएगी, और मत भूलें कि ख़ुद को बदल के आप दुनिया बदलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
और आप चाहते हैं आप ऐसी आगे और वीडियो देखें और हम लोग बनाएं, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा। खुद को बदल के दुनिया बदलो।